तो अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से मतलब। तो यहाँ पे एक मटर का खेत दिख गया सर। अरे यार रहने दो, यहाँ पे घर है किसी का। शट अप। मेरा फ्रेंड इतना ज्यादा डर रहा है कि वो बाहर ही खड़ा हुआ आ भी नहीं रहा है। ये देखिए बोटी बंगले वाले लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं वाले हैं एक सरप्राइज ट्रिप पे अपने दोस्त के साथ और ये उसका पार्ट वन है। सो लेट्स गो। हाँ तो गाइज अभी हम पहुंच रहे हैं अपनी सबसे फेवरेट लोकेशन पे। इतनी अच्छी, इतनी रोमांटिक, पीसफुल जगह कि आप भी देखोगे ना तो आपका भी मन करेगा कि वहाँ पे हम भी आ जाएं। तो अभी हम लोग बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से मतलब जा रहे हैं एक न्यू प्लेस पे और वो लोकेशन बहुत ही अच्छा है। उसको मैं एक्सप्लोर मतलब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। थोड़ा गांव टाइप एरिया है, थोड़ा जंगल वाला एरिया है और जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये रोड अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आप देख सकते हैं। हमें लगा था कि रोड बहुत अच्छा होगा, मेंटेन होगा तो इजिली हम लोग जा पाएंगे, पर अभी यहाँ रोड का काम चल रहा है। थोड़ा देख सकते गाँव का लोकेशन है तो यहाँ पे गाँव की चीजें ही ज्यादा दिखेंगी, पर अच्छी दिखेंगी थोड़ी बड़े लेवल में। तो यहाँ पे गन्ने के ट्रक भर भर के लगे हुए हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए रोड बनाने वाली मशीनें हैं यहाँ पे बहुत सारी। तो हम अभी वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं, सब तो कवर करते हुए चल रहे। देखिए गाइस यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, बहुत ही मतलब पोल्यूशन हो रखा है। पर अच्छा यार मटर का खेत दिख रहा है वहाँ पे जाके, तो इन साइड में भी दिख रहा है जहाँ भैंस बंधी हुई है। तो यहाँ पे एक मटर का खेत दिख गया सर। अरे जहाँ पे किसी का घर नहीं बना होगा वहाँ पे मटर चोरी करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे। इतना ज्यादा हैपनिंग नहीं है रोड, बट बहुत पीसफुल लग रही है मुझे तो। ये देखिए कोठी बंगले वाले लोग, बड़ी सी कोठी बना रखी है मगर मेंटेन नहीं कर पाए हैं। क्या फायदा ऐसी कोठी का, गाड़ी खड़ी कर रखी है। और ये वाले जंगल जो सामने आने वाले है ना, ये किस चीज के पेड़ है? ये थोड़ा सा एरिया बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा डार्कनेस आ जाती है यहाँ पे। गर्मियों में बहुत अच्छा ठंडक फील होती है यहाँ पे आके। और जहाँ पे हम जाने वाले वो जगह राइट में है, वहाँ पे जहाँ पे जंगल दिख रहे दूर राइट साइड में, वहाँ पे क्या है वो? वहाँ पे है एक सरप्राइज, बता देंगे तो सरप्राइज किस चीज का फिर। और जहाँ पे हम वो मजार बोल रहे थे ना बाबा जी की, यहाँ आगे से थोड़ा लेफ्ट में कहीं तो। ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए हम, लेफ्ट में पहले जाके यहाँ पे दर्शन वगैरह करेंगे और फिर यहाँ से हम। आज मेला नहीं है वैसे, वो नौचंदी वो होता है अमावस के बाद जो नौचंदी पड़ती है वहां पे। चलो इसके अंदर। ये एक मज़ार टाइप है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए घंटे भी बंधे हुए हैं और यहाँ पे चादरें भी चढ़ती हैं जो मस्जिद वगैरह में चढ़ती है उस टाइप की। तो यहाँ पे सारे लोग आते हैं, इनका नाम है पकरिया बाबा और यहाँ पे लोग आते हैं मन्नत वगैरह मांगते हैं। बहुत अच्छा सच्चा दरबार है ये और ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे मेला भी लगता है इसलिए ग्राउंड बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और मैंने भी दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा है दर्शन करके। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वो इसका रास्ता है। वो सकरी सी गली है छोटी सी, ये पूरा वाइल्ड एरिया है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी दिखेंगे बहुत सारे। ये कोई जू नहीं है, बहुत अच्छा सा प्लेस है विजिट के लिए और जंगली एरिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल लगे हैं और बहुत सुनसान एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आ जा नहीं रहे हैं और क्योंकि अकेले आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग के साथ आना चाहिए, अकेले बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
तो हम पहुंच के फिर मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे तरह तरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, ऐसा लगेगा कि महाराष्ट्र में आ गए। वैसे हम लोग महाराष्ट्र से नहीं, हम प्रॉपर यूपी वाले हैं। तो यस बेबी कैमरा, हेलो बोलो, हेलो। तो गाइज ये जहाँ पे हम घूमने आए उसी का एक पार्ट है, और बिल्कुल ही जंगली एरिया है, सुनसान है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर घूमते रहते हैं, काफ़ी डरावना सा फील हो रहा है। यहाँ पे हॉरर मूवी वगैरह भी शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फ्रेंड इतना ज़्यादा डर रहा है कि वो बाहर ही खड़ा हुआ आ भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो मुझे आकर यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ है कि नहीं है, बट मैं फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ। काफ़ी हॉरिबल और रोमांटिक जगह है ये। यहाँ से तो कोई जानवर दिख नहीं रहे, अंदर जाके बहुत सारे जानवर है। अंदर मैं नहीं जा सकती, आगे से अगर दिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। क्या बोलते हैं, जानवरों का जो पशु वाला ऑफिस रहता है, ये ऑफिस है गवर्नमेंट का। और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे आपको, मंकीज़ वगैरह और हॉर्सेस वगैरह भी। सॉरी लग गया। देखिए सभी लोग शॉक्ड हो जा रहे हैं, मैं देख के सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग स्टैंड और फ़ोन लेकर पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं, रास्ते रास्ते मज़ा आ रहा है। लोगों को लग रहा है यहाँ पे मीडिया वाले तो नहीं आ गए, इनकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए कहीं कुछ। पर डोंट वरी, हम मीडिया वाले नहीं हैं, हम सोशल मीडिया वाले हैं। ये देखिए गाइस, ये जंगली जानवर है, इसको बोलते हैं नील गाय। हम थोड़ा पास में जाके दिखाते हैं आपको, यहाँ से जूम नहीं कर सकते, गाड़ी पे वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पर देखिए ये बिल्कुल जंगली जानवर है, ये पालतू जानवर नहीं है, और ये खुद ही बहुत ज़्यादा डर रहे हैं हमें देख के। तो हम लोग इनसे क्या ही डरेंगे, देखिए इतना बड़ा सा जंगल है और इसी में सारे इस जंगल में भरे पड़े। इस जगह का नाम ही इनके नाम पे है वैसे तो। अब मैं जगह का नाम तो रिवील नहीं कर सकती आपको, लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर हम पहुंच रहे हैं इतनी रोड देखिए कितनी खराब है, मतलब इतने सारे गिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह पड़े हैं, छोटे छोटे। बस एडवेंचर वाली रोड है, फुल एडवेंचर हो गया हमारा। एक तो पहली बात तो रास्ता नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते फाइनली वहाँ पे पहुँच रहे हम।